इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिय व्यूअर्स किन्हीं तकनीकी कारणों से इन न्यूज प्रोग्राम अगले कुछ दिनों तक ऑडियो फॉर्मेट में ही प्रसारित किया जाएगा आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है चलिए अब जानते हैं हमारे आज के इन न्यूज का टॉपिक तो आज का हमारा टाइटल है पेगेस प्रोजेक्ट सरकारों पर जासूसी का आरोप क्योंकि आज का टॉपिक साइंस एंड टेक से रिलेटेड है तो इसलिए पेपर थ्री को कवर करेगा चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड डायमेंशन जानते हैं तो सबसे पहले हम खबर पर नजर डालेंगे उसके बाद जानेंगे स्पाइवेयर क्या होता है और इसी के अंदर जानेंगे पेगस क्या है और कैसे काम करता है फिर जानेंगे पेगेसस प्रोजेक्ट के बारे में निजता के अधिकार के बारे में और ओवरऑल इसके प्रभाव पर बात करते हुए निष्कर्ष पर बात करेंगे और फिर इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न रहेगा चलिए अब सबसे पहले नजर डालते हैं खबर पर। हाल ही में वैश्विक स्तर पर कई प्रमुख लोगों की जासूसी कराने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है यह जासूसी पेगासस नामक एक स्पाईवेयर के जरिए की गई है ये तथ्य फ्रांस के गैर लाभकारी संस्थान फॉर्बिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप एक अंतर्राष्ट्रीय जांच के आधार पर जारी किए गए हैं इनके अनुसार दुनिया के करीब दस देशों में सरकारों द्वारा देश के प्रमुख पत्रकारों पूर्व व वर्तमान सरकारी अधिकारियों नेताओं तथा उद्योगपतियों आदि की जासूसी कराई गई है इन देशों में भारत भी शामिल है डेटा के मुताबिक भारत में 2017 से 2019 के बीच देश की कई प्रमुख हस्तियों की जासूसी कराई गई। हालांकि भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कि सरकार ने एनएसओ से पेगासस खरीदा है या नहीं फिर भी इस मामले के उजागर होने के बाद देश में निजता का अधिकार बनाम सरकार आरोप बहस छिड़ गयी है आइए अब जानते हैं स्पाईवेयर के बारे में स्पाईवेयर क्या होता है एक ऐसा मालवेयर या हैकिंग सॉफ्टवेयर जिसके जरिए किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल टैबलेट आदि से आपकी गुप्त व निजी जानकारियां चुराई जा सकती हैं। मालवेयर क्या होता है या इसके कितने प्रकार होते हैं तो इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं इसकी मदद से ऑपरेटर द्वारा ईमेल्स, बैंक डिटेल्स फोटोज तथा सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेजेस सहित सभी गतिविधियों की जासूसी की जाती है और डेटा चोरी भी किया जाता है इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि डिवाइस यूजर को उसकी डिवाइस में स्पाइवेयर के होने का पता ही नहीं चलता पेगस भी इसी प्रकार का एक स्पाईवेयर है जिसे इसराइल की एक साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है इसे जासूसी के लिए दुनिया भर में सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर माना जा रहा है क्योंकि यह इंस्टॉलेशन के लिए जीरो क्लिक अटैक करता है इसका अर्थ है कि इसमें फोन चलाने वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती यह बिना क्लिक के ही फोन को संक्रमित कर उसमें पैठ बना लेता है आइए अब जानते हैं कि पेगासस काम कैसे करता है इस स्पाइवेयर के किसी स्मार्टफोन में आने के बाद हैकर उस स्मार्टफोन के न सिर्फ ऑडियो टेक्स्ट मैसेजेस और दूसरे संवादों ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है बल्कि यह फोन के माइक्रोफोन और कैमरे को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है इससे संक्रमित होने के बाद किसी फोन कंप्यूटर टैबलेट आदि पर यूजर से ज्यादा एक्सेस पेगसस के पास होता है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पेगेस के इस्तेमाल से हैकर को उपभोक्ता के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। यह आईओ और एंड्रॉइड दोनों डिवाइस में आसानी से सेंध लगा सकता है यह पहली बार वर्ष 2016 में प्रकाश में आया था आइए अब जानते हैं पेगेसस प्रोजेक्ट के बारे में फॉर्डेंट स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर पेगेस पाईवे से जासूसी की है जानकारी जुटाई है इसके बाद इसे दुनिया के 16 चुनिंदा मीडिया संस्थानों जैसे द वायर लमोंड द गार्डियन वॉशिंगटन पोस्ट फ्रंटलाइन आदि न्यूज संस्थानों के साथ साझा किया इस पूरे कार्य को पेगस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है इसके द्वारा जारी सूची के अनुसार पहचान किए गए नंबरों में दस देशों भारत अजरबैजान बहरीन कजाकिस्तान मेक्सिको मोरक्को रवांडा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लोग शामिल हैं। सूची में लगभग 300 सत्यापित भारतीय नंबर भी पाए गए हैं जिनकी जासूसी कराई गई थी इन लोगों में मंत्री विपक्षी दल के नेता पत्रकार न्यायपालिका से जुड़े लोग उद्योगपति पूर्व वर्तमान सरकारी अधिकारी मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। यह डेटा 2017 से 2019 तक की जानकारी के आधार पर जारी किया गया है इस मामले में एनएसओ कंपनी का कहना है कि पेगस का उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है और इसीलिए वे इस प्रोग्राम को केवल वेटेड गवर्मेंस यानी ऐसी सरकारें जो किसी गतिविधि के लिए जांच पड़ताल पर अधिक ध्यान देती हैं, को ही बेचते हैं इनका कहना है कि वे ऐसी तकनीकें बनाते हैं जिनसे आतंकवाद और अपराध के विरुद्ध सरकारी एजेंसियों की मदद हो सके और दुनिया भर में लोगों की जाने बचाई जा सके चूँकि ये सारा मामला देश की सरकार से जुड़ता है इसलिए इस मामले के सामने आने के बाद भारत में पेगसस प्रोजेक्ट द्वारा भारत सरकार से आधिकारिक तौर पर इस मामले में जवाब मांगा गया है कि क्या उसने कथित रूप से लक्षित लोगों की जासूसी कराने के लिए पेगसस का उपयोग किया था सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसके जवाब में इस प्रकार के किसी भी आरोप को निराधार बताते हुए कहा गया की सरकार देश के नागरिकों की निजता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है आइए अब जानते हैं निजता के अधिकार के बारे में पेगसस का उपयोग हैकिंग से जुड़ा हुआ है और हैकिंग एक अपराध है चाहे वह किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कराई जाए या फिर सरकार द्वारा भारतीय संविधान के तहत निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग तीन द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है अब बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में जिस प्रकार के तथ्य उजागर हुए हैं तो उससे यह प्रत्येक व्यक्ति की निजता को प्रभावित करेगा क्योंकि इसके जरिए किसी की भी गुप्त और निजी जानकारी चुराकर उसका मनचाहा इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे में यदि इसका इस्तेमाल भलाई न होकर गलत इरादे से किया जाए तो यह कितना घातक हो सकता है इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निजता के उल्लंघन से जुड़े इस प्रसंग से यह सवाल खड़ा हो गया है कि यदि ये आरोप सत्य साबित होते हैं तो क्या भारत एक पुलिस राज्य में परिवर्तित होने की ओर अग्रसर है इस प्रकार का कृत्य संवैधानिक अधिकारों पर हमला और गोपनीयता का अतिक्रमण होगा आइए अब इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं पैगेसिस सॉफ्टवेयर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है यह सॉफ्टवेयर क्या है और निजता के अधिकार के साथ इसे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है तो ये था हमारा आज का टॉपिक मिलेंगे कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद